प्रदेश में अभी हाल ही में राजधानी भोपाल और भिंड के पड़ोसी जिलों मुरैना में मासूमों के साथ दुष्कर्म के मामलों के बाद यह जानना जरूरी होता है कि भिंड में बच्चियां कितनी सुरक्षित हैं। क्या स्कूल, कोचिंग संस्थान, स्कूल वैन, सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे, पुलिस पॉइंट लगे हैं? हमारे द्वारा जिले की पड़ताल करते हुए जब एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान से बात की तो उन्होंने बताया कि स्कूल वैन, कोचिंग संस्थान, सार्वजनिक स्थल, इन सभी जगहों पर पुलिस पॉइंट लगाए गए हैं। साथ ही जिन स्कूलों या कोचिंग संस्थानों ने सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए हैं उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। इतना ही नहीं, मासूमों के साथ अपराधों को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि खेल शिक्षकों के द्वारा समय समय पर स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को जूडो, कराटे, कुश्ती भी सिखाई जा रही है ताकि वे अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बने। फिर भी कोई अपराधी भूलवश उनकी तरफ नजर उठाने की हिमाकत करेगा तो उसकी खैर नहीं होगी। भिंड से खबर हर पल के लिए प्रेमनारायण शर्मा की खबर। तो हमारे डिपार्टमेंट सर खेल युवा कल्याण विभाग की तरफ से जैसे ग्रीष्मकालीन कैंप प्रशिक्षण शिविर में सर जूडो कराटे का बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। महिला बाल विकास के साथ में एक बार हमने मिलकर एक बच्चियों को पहले भी प्रशिक्षण दिया था। हाल ही में तत्काल में सर हमारे अभी शिक्षा विभाग की तरफ से भी सर बच्चियों को प्रशिक्षण करने के लिए एक कराटे प्रशिक्षण का शिविर स्टार्ट होने वाला है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सर सेल्फ डिफेंस बच्चियों को बनना चाहिए जिससे कि वो अपने आत्मनिर्भर बन सकें। और हमारे खेल युवा कल्याण विभाग में सर इस तरीके से हमारे जो कोचेस जहाँ जहाँ पदस्थ हैं वो डेली बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं और वो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा बच्चों को प्रशिक्षण मिले जिससे कि उनके अंदर सेल्फ डिफेंस सीखें, जिससे कि उन्हें भी कोई सुविधा और बाई दफ़ा अगर कोई अगर कोई अटैक भी करता है तो वो अपना सेल्फ डिफेंस के माध्यम से अपना बचाव कर सकें। सर इसमें हम कलेक्टर साहब, सीओ साहब और आरडीओ सर और स्वयं इन चारों पांचों के साथ अशासकीय विद्यालय के संचालक हैं या प्राचार्य हैं उनके साथ हम बैठक करने जा रहे हैं और बैठक में हम दो तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक तो फीस का एक आदेश आया है उस पर हम चर्चा करेंगे और दूसरा बसों में जो ड्राइवर कंडक्टर रहते हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए, है ना, बसों का बीमा है कि नहीं, बसें जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके तहत जो है पूरा फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, इन पे पूरी हम चर्चा करेंगे। सर से आज बात भी मेरी हुई है तो हम बिल्कुल शीघ्र ही जो है कार्रवाई करें। कई स्कूल और कोचिंग संस्थान ऐसे जहाँ पर सीसी कैमरे नहीं लगाए गए जी, तो इसका हम जरूर पालन करवाएंगे स्कूलों में भी। तो देखो हमारी परीक्षाएं भी चल रही हैं डीएड की, हर पूरी परीक्षाएं हम यहां से खड़े होकर देख सकते हैं कि कहां क्या चल रहा है, तो पूरा वेबकास्टिंग के माध्यम से हम पूरा कर रहे हैं इसको। जो अभी नाबालिग बच्चियों वगैरह पे जो घटनाएं कई जगह पे हो रही हैं उसको देखते हुए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी तरीके से उस पर रोकथाम लगाएँ। इसके लिए जो हमारी नॉर्मल पुलिसिंग है उसके अलावा हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो ऐसी जगह हैं, बस्तियां हैं जहाँ पे ऐसे वर्ग के लोग रहते हैं जहाँ पे काम करते समय वो कहीं चले जाते हैं, बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है और फिर ऐसे में मौके का फ़ायदा उठा के जो अपराधी हैं वो उनके साथ गलत कृत्य करते हैं, तो हम ऐसी जगहों को अपने सभी थाना क्षेत्रों में आइडेंटिफाई करके वहाँ पर विशेष एक अभियान चलाकर लोगों में प्रयास करेंगे ऐसी जागरूकता लाने का कि वो अपने बच्चों का विशेष तौर पे जो कम उम्र के हैं बच्चियां हैं उनका विशेष ध्यान रखें कि कहीं भी उनको अकेला ना छोड़ें, कहीं भी उनको रखते हैं तो किसी समझदार व्यक्ति जो उनका विश्वास पात्र हो उसके पास रखें या उसके साथ छोड़ें। कहीं वो खेल भी रहे हैं तो बिल्कुल उसको खाली ना छोड़ें और ध्यान रखें कि कई बार खेलते समय भी उनको कोई लालच दे के पोट पुछ करके ले जाता है, तो ये सभी जगह हम लोग उसमें एक हम लोगों ने पैम्फलेट वगैरह भी तैयार किए हैं जिसमें इस तरह के इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, डूज एंड डोंट्स हैं कि बच्चों के तौर पे विशेष रूप से क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं बड़ों के लिए, वो भी ऐसी सभी जगहों पे सर्कुलेट भी की जाएगी, उनको समक्ष में बताई भी जाएगी। इसके साथ साथ हम लोग एक और प्रयास कर रहे हैं वो ये भी है कि जो हमारे सरकारी सीसीटीवी कैमरे विभिन्न जगहों पर लगे हुए हैं उनके अलावा अन्य लोगों के माध्यम से भी हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक कस्बों में, शहरों में, ऐसी जगहों पे सीसीटीवी कैमरे लग जाएं